राजस्थान के राजसमंद जिले के देलोड़ा गांव में यादव समुदाय द्वारा कई पुरानी मूर्तियां बनाई जाती है, परंतु आज वर्तमान में ये कला खत्म होती जा रही है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस कला के बारे में। ये पूर्वज बनाते हैं हमारे समाज में, ये शिवलिंग बनाते हैं, ये प्याले भी बनाते हैं, खुंडी भी बनाते हैं, ये पहले बनाते थे, अभी इसको कोई नहीं बनाता है। और ये काम मेरे पिताजी से मैं सीखा और उससे मैं नौकरी करने के बाद में भी इसको जिंदा रखने के लिए ये काम करता रहता हूँ। पहले तो इस मूर्ति को बिल्कुल फिनिश कर देते हैं, फिनिश करने के बाद में इसको थोड़ा वार्निश लगा देते हैं जाकि उसमें चमक आ जाती है। तो ये वार्निश भी इसलिए लगाते हैं कि ये पत्थर वैसा है और इससे ये पत्थर टिका रहे। ये हमारा काम में सोप स्टोन का पत्थर आता है, उस सोप स्टोन के पत्थर से हम ये कलाकारी, हम मूर्ति वगैरह बनानी है, हम ये काम करते हैं। मूर्ति जैसे पूर्वज वगैरह बनाना पड़ते हैं, शिवलिंग की बनाते हैं हम, जो कोई आता है नांदिया बनाते हैं हम, जो कोई आता है उसको हम, जो कहता है उसको हम बना देते हैं। ये हमारे यहाँ मूर्तियों का काम चलता था ये, और जैसे कि घोखड़ा बनाना और छत्रिया, हवेली और मंदिर, मस्जिद, ये टोटल कार्य किया जाता था। लेकिन अब क्या है, धीरे 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 ये सब कला ख़त्म होती गई। मंदिर वगैरह वगैरह टोटली काम होता था ये। अब नए युवा है वो सब इनमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये इस काम को इंटरेस्ट लेना चाहिए और आगे तक काम करना चाहिए, काम को सीखना चाहिए। ये कला हमारी संस्कृति की एक पहचान है जो कि आज वर्तमान में खत्म होने के कगार पर खड़ी है। आने वाले समय में इस कला पर काम करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि ये कला इस तरह खत्म नहीं होनी चाहिए। आप सभी लोग इस कला को पूरा जीवित करके इस पर काम शुरू करें। मैं शंभू राज तंवर देलोड़ा से, इंडिया अनहट के लिए।